स्वागत है यार आप लोगों का हमारे चैनल में। तो मेरा नाम है गरिमा और मैं घूमने फिरने की वीडियोस बनाती हूँ एंड कोरोना से पहले पेंटिंग की भी वीडियोस बनाती थी मैं। तो उस पर हमें फिर से दोबारा वापस जाना है ऑफकोर्स। एंड स्वागत है यार आप लोग का इस नवी वीडियो में। अगर आपका पहली बार है मेरे चैनल पर तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर जर्नी अगेन फाइनली आफ्टर 4 months। एक्चुअली टू बी प्रिसाइज इन दिसंबर ऑल्सो आई वॉज नॉट ट्रैवलिंग बट आई वॉज आउट ऑफ इंडिया। सो ऑलमोस्ट लाइक 5 months जिसको हम आधा साल भी बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट लाइक हाफ ईयर आई हैव वेस्टेड, आई हैव डन नथिंग इन माई लाइफ, आई हैव जस्ट रेस्टेड एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम। बट एनी वेज वी आर बैक ऑन रोड अगेन। एंड यार अभी मैं हूँ आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में और आज हमारी फ़्लाइट है रात को मलेशिया तक की, तो विशाखापट्टनम से सिंगापुर, सिंगापुर से मलेशिया। तो स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में एंड मुझे अभी कुछ देर वेट करना है यहाँ पे, तो मैं कैफ़े आ गई थी। एंड ये रही भाई हमारी आइस लाते कॉफ़ी। एंड मैं आपको एक बार यार कैफ़े दिखा देती हूँ, अगर आप लोग विशाखापट्टनम में तो ज़रूर आना एक बार। ऐसा कुछ इंटीरियर है, इस जगह काउंटर आप लोग देख सकते हैं। और कैफ़े का नाम है भाई वॉल्टर, ये इधर लिखा हुआ है नाम, यही नाम है कैफ़े का भी। तो नाइस। एंड ये लोग यार यहाँ पे रोस्ट भी कर रहे हैं, रोस्टिंग का भी सामान पड़ा है। मैं सोचा आप लोग को एक बार दिखाऊं एंड कुछ देर अब वेट करना है, फिर चलेंगे हम एयरपोर्ट की तरफ। तो ये सीन होने वाला है। कैफ़े से निकल के मैं अभी विशाखापट्टनम के एयरपोर्ट पे आई हूँ और आई थिंक अभी 3 घंटे हैं यार हमारी फ़्लाइट को, बट चल के अंदर एयरपोर्ट पे बैठते हैं। एंड यहाँ पे मेरे को एक फ्रेंड मिले हैं भाई विशाखापट्टनम में, मैं आपकी इंट्रोडक्शन करवाती हूँ एक बार। सो हेलो, हाय एवरीवन। तो हमें थोड़ा बताइए आपके बारे में। आई नो एंटरिंग फ्रॉम पंत गरिमा फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग व्हाइल, दैट्स फॉर एन ईयर। And I was literally waiting for the day where I'll be able to meet her somewhere outside AP. Fortunately, I could meet her here itself in Vizag and I had really had a great time with her. Thank you so much. It was nice to meet you. And hope to meet you next time again. Sure, definitely. Yeah. So nice guys. And now I will go to airport. And यार यहाँ आने से पहले ना, मतलब मैं उड़ीसा में थी, कोरापुट वगैरह में, इसलिए बाकी अब बोर्डिंग वगैरह करते हैं और फिर वहाँ पर वीडियो बनानी कंटिन्यू करते हैं। तो भाई यार ये वाइज़ाग का एयरपोर्ट है एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, तो सामने पुलिस वगैरह वाले भी हैं। आई होप कि मना ना करें वीडियो बनाने के लिए। एंड एनीवेज और यार जो अपनी एयरलाइन है वो है स्कूट एयरलाइन, वो विशाखापट्टनम से सिंगापुर जाएगी, सिंगापुर से फिर मलेशिया जाएगी। और भी एक दो बातें मेरे को आप लोगों के साथ करनी है, तो थोड़ी देर में पहले मैं देख लूँगी हिसाब किताब क्या है यार इस साइड, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। नाइस, उधर बोर्ड लगा हुआ है, चलते देखते हैं। इधर भी है वैसे। लेट्स सी। और यार साउथ ईस्ट एशिया ना, मैं थाईलैंड, तिमोर लेस्ते एंड इंडोनेशिया, म्यांमार यहाँ पे गई हुई हूँ मैं। और तिमोर लेस्ते हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया का भी पार्ट है और ओशिनिया का भी पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है। बट जो वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, लाओस हो गया, यहाँ पे मैं पहली बार जा रही हूँ, तो इस बार ये ट्रिप होने वाली है हमारी। तो भाई यार यहाँ पे चेक इन चल रही है यार, इस बार ये एक ही बैग है एंड इस बार इसमें टेंट, ड्रोन कुछ भी नहीं है, बहुत हल्का है हमारा बैग, सिर्फ कपड़े हैं ऑलमोस्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे बैग में। ये इधर यार चेक इन चल रही है, तो एक बार यार बोर्डिंग पास मिल जाए फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। बोर्डिंग पास एंड मेरे को पता नहीं था, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मलेशिया का वीज़ा ऑन अराइवल है या वीज़ा फ्री है, ये तो पता था, लेकिन आपको फ़्लाइट से पहले ना एक फॉर्म भरना पड़ेगा ऑन अराइवल वाला, उसको कहते हैं MDAC, तो मलेशियन गवर्नमेंट का ऑन अराइवल फॉर्म है, वो आप फिल कर देंगे तो आपके ईमेल पर डिटेल्स आ जाएंगी। तो वो एक फॉर्म फिल करके आना घर से, मैंने अभी एयरपोर्ट पर करा है। और चलिए सफ़र शुरू करते हैं। अब इस साइड यार इमिग्रेशन है तो मैं कैमरा रख दूँ,
और फिर कहीं बैठ के मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो फाइनली भाई एक महीने बाद हम फिर से अपने सफ़र पे वापस हैं, क्वाइट एक्साइटिंग एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो जनाब यार फाइनली सिक्योरिटी चेक इन वगैरह ये सब ख़त्म हुआ एंड मैं यार इमिग्रेशन पे गई। और एक बात पिछली बार भी मेरे साथ हुआ था जब मैं बांग्लादेश भी जा रही थी, लेकिन मैंने वीडियो में नहीं बोला था, जब से भाई मेरे पासपोर्ट पे ईरान और अफ़गानिस्तान का स्टैंप लगा है ना यार, इंडिया में मेरी एक्स्ट्रा चेकिंग होती है। और अभी विशाखापट्टनम के एयरपोर्ट में तो यार बहुत फ़नी सीन हुआ, इन लोगों ने जितनी भी कंट्रीज़ मैंने विज़िट करी है मेरा फ़ोन नंबर सारी डिटेल्स एक पेपर पे लिखी है स्पेशली, और लिटरली जो ऑफिसर थे उन्होंने 20-25 कंट्रीज़ के ऐसे नाम लिखे एक लेटर से मैं। तो ये सीन हुआ भाई आज इमिग्रेशन पे। बट एनीवेज यार इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बस यही पूछा आपका प्रोफेशन क्या है, ये वो कौन सी क्लास तक पढ़े हो एंड कौन कौन सी कंट्रीज जाते हो, क्यों घूमते हो, ये सब। बट सब बढ़िया यार। और अब 1.5-2 घंटे में हमारी फ़्लाइट है एंड विशाखापट्टनम के यार एयरपोर्ट बहुत छोटा है, ये इंटरनेशनल एरिया है और बोर्डिंग हमारी है गेट 8 से, तो 8 नंबर गेट से यार बोर्डिंग है और बहुत छोटा है यार एयरपोर्ट, आप लोग देख सकते हैं। सब बढ़िया जनाब, बाकी मैं थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँ फिर उसके बाद चलते हैं सफ़र शुरू करते हैं आगे। एरिया इन लोगों ने बना रखा है इस तरफ गेट वगैरह, और हमें अभी सी से डी गेट की तरफ जाना है एंड सब बढ़िया यार। ये कि इन्होंने मिनी गार्डन बना रखा है, और मज़े की बात यह है इन्होंने ना इन पेड़ पौधों के ना नाम भी दे रखे हैं, आप लोग ये देखे बोर्ड लगा हुआ है तो ये ऐसे इन्होंने नाम लिख रखे हैं। एंड ये भाई वाटर बनाना है ये वाला, ये अफ्रीका से ओरिजिन लिखा हुआ है, ये अफ्रीका का बहुत है इंटरेस्टिंग। और यार ये जो एयरपोर्ट है सिंगापुर का, ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट में भी आता है और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। एंड चलिए एनीवेज डी गेट की तरफ चलते हैं, मैं फिर आप लोगों से बात करती हूँ। अंदर से भाई एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है, ये मॉल वगैरह स्टोर्स हैं एंड एयरपोर्ट के अंदर शॉपिंग मॉल टाइप की भी प्रॉपर चीज़ें हैं। एंड जो वो बहुत फेमस फाउंटेन टाइप की जगह ना, वो इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद ही जा सकते हो आप। एंड मेरे पास यार सिंगापुर का या किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा नहीं है टू गो आउट ऑफ द इमिग्रेशन, तो हम नहीं जा पाए, वरना जा सकते हो देखने के लिए अगर आप लोगों के पास अमेरिका यूरोप के वीज़ा हैं तो। ये भाई एयरपोर्ट, बट यार स्ट्रेंजली इतना बड़ा एयरपोर्ट है एंड इतना बिजी है। बट जब मैं इस्तानबुल गई थी ना तुर्की में, वो वाला एयरपोर्ट वन ऑफ द मोस्ट बिजी एयरपोर्ट देखा था मैंने पर्सनली। इस्तानबुल का एयरपोर्ट जिस टाइम मैं गई थी बहुत एक्सट्रीमली बिजी था, यहाँ पे अच्छी वाइब है, मतलब कुछ ओवर बिजी नहीं लग रहा है। ये एयरपोर्ट भी बड़ा है एक तरह से। चलते हैं बाकी डी गेट की तरफ, आगे जाना है हमें, बाप रे। और मेरे को यार वीडियो बनाने की आदत बिल्कुल गई हुई है।
ये वाली अपनी फ्लाइट कुआलालंपुर की 9:45 पे जाएगी एंड 8:45 टाइम हो रहा है अभी और पूरे टाइम पर बोर्डिंग हो रही है, आई मीन परफेक्टली एट टाइम एंड एक घंटे की फ्लाइट है और ज़्यादा दूर नहीं है तब मैंने नहीं बताया वीडियो में मेरे को ये फ्लाइट पड़ी है विशाखापट्टनम से मलेशिया तक की 10,800 रुपये की 10,000 या 800 की फ़्लाइट है। मलेशिया का वीज़ा नहीं चाहिए हमें, दिसंबर तक वीज़ा फ्री है इंडियंस का है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है बेसिक। तेरे सामने इमिग्रेशन है और मलेशिया पहुँचे हम, एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है कुआलालंपुर का एंड मैं पहले भाई कैमरा बंद करूँगा और इमिग्रेशन के बाद आप लोगों से बात करूँ। तो भाई यार ये मलेशिया का एयरपोर्ट है एंड ये बाहर का नज़ारा है जनाब, और बस में जाना है हमने, ये हमारी रही टिकट। तो यार इसका एक चक्कर पड़ा, यहाँ पे कैश पेमेंट नहीं ले रहे थे, ऑनलाइन पेमेंट हो रही थी तो ये नियो कार्ड चल गया भाई पेमेंट के लिए, तो मैंने ये टिकट नियो कार्ड से बुक करी है। एक अंग्रेज़ भी था यार, उसका यूके का कार्ड नहीं चल रहा था तो उसको भी मैंने फिर एक टिकट बुक करके दी। और इधर देखे यार ये सारी ऐसे डिटेल्स लिखी रहेंगी, तो 1 बजे जाएगी यार हमारी बस, आप लोग देख सकते हैं एंड शायद यही वाली है, चल के पूछते हैं, या इधर आएगी अभी यार 1 बजे जाएगी बस एंड इधर आएगी 8:05 पे। तो ये सीन यार, और मेरा यार मलेशिया में भाई पहली बार है, मैं पहली बार आई हूँ मलेशिया एंड थोड़े दिनों का ही सफ़र रहेगा, 3-4 दिन में हम निकल जाएंगे नेक्स्ट कंट्री की तरफ, तो ये सीन रहने वाला है। बाकी यार सब बढ़िया, चल के यार बैग वैग रखें हॉस्टल और खाना वाना खाएँ, ये सीन है आज का। जनाब यार मैं कल हॉस्टल पहुंच गई थी एंड कुछ ऐसा दिखता है रूम, आज हमारा रूम यहाँ पे फुल है और सामने यार एडिटिंग वगैरह करनी है अभी, और ये खलारा पड़ा है यार बिल्कुल इधर एंड यार हॉस्टल का मैं पे कर रही हूँ ऑलमोस्ट $8 से $9 के बीच है, ये सिंगल बेड यहाँ पे डॉम बेड, और सब बढ़िया यार। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, एयरपोर्ट की वीडियो है ये, और अगली वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना, और बाकी सब बढ़िया यार, पहली बार है मेरा मलेशिया में और देखते हैं कैसा सफ़र रहता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।